पहले मैंने अपने डिपार्टमेंट के मंत्री को पत्र लिखकर आसनसोल के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, इस जिले के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, उसके बारे में उनका ध्यान आकर्षण किया, आकर्षित करने का प्रयास किया था। और मैंने ये सोचा था कि शायद वो इसको सीरियसली देखेंगे और आसनसोल के साथ न्याय करेंगे। लेकिन तीन दिन बीत जाने के बाद भी मैंने चिट्ठी क्यों लिखा, उसमें कौन सा बयान है, कौन से वर्ड का यूज़ किया गया, इन सब सारी चीज़ों पर बहुत चर्चा की गई। लेकिन समस्या के समाधान के लिए सरकार क्या करने वाली है, डिपार्टमेंट क्या करने वाला है, इस ओर से कोई भूमिका सरकार के द्वारा, मंत्री जी के द्वारा नहीं निभाई गई। और मुझे ये बता दिया गया कि आसनसोल को वो लोग कुछ नहीं देने वाले हैं, ये शहर जैसे है ऐसे ही रहेगा, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आप यहाँ से लेंगे, इन टर्म्स ऑफ एरिया सबसे बड़ा नगर निगम है यह बंगाल में, उस शहर को इस तरह वंचित रखेंगे तो इस कुर्सी पर बैठकर काम करना मेरे लिए असंभव है। इतना अच्छा स्टाफ सपोर्ट है यहाँ पर, यहाँ के जो लोग हैं अपने जो निर्धारित ड्यूटी है उससे 2-4 घंटा एक्स्ट्रा काम करके इस शहर के लिए अपना परिश्रम करते हैं, श्रमदान देते हैं, उसके बाद भी केवल फंड के अभाव में यदि ये काम नहीं करने दिया जाए तो फिर इस कुर्सी पर बैठने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि ये कुर्सी छोड़कर मैं जा रहा हूँ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।